सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को लेकर दिए अपने पहले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को 3 दिनों के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुली अदालत में सुनवाई करते हुए कहा कि एससी एसटी एक्ट के प्रोविजन में से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि वह इस एक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट से बाहर क्या हो रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा काम कानूनी बिंदुओं पर बात करना और संविधान के तहत कानून का आकलन करना है। कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी एक्ट में पीड़ित को मुआवजा देने में देरी नहीं होगी, उसके लिए एफआईआर के इंतजार की भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से बार बार 20 मार्च के फैसले पर स्टे लगाने के आदेश को कोर्ट ने ठुकरा दिया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने हमारा जजमेंट पढ़ा ही नहीं है, हमें उन निर्दोष लोगों की चिंता है जो जेलों में बंद है। केंद्र सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने कहा कि यह एक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सोमवार को भारत बंद के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और जान माल के नुकसान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए 2 बजे का समय तय किया था। केंद्र सरकार ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा कि 1979 में बनाए गए इस कानून के कठोर प्रावधानों को नरम करने संबंधी 20 मार्च के फैसले के बहुत ही दूरगामी परिणाम हैं। पुनर्विचार याचिका को न्यायोचित बताते हुए केंद्र ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के अनेक उपायों के बावजूद वे अभी भी कमजोर हैं। याचिका में कहा गया कि वे अनेक नागरिक अधिकारों से वंचित हैं, उनके साथ अनेक तरह के अपराध होते हैं और उन्हें अपमानित तथा शर्मसार किया जाता है। अनेक बर्बरतापूर्ण घटनाओं में उन्हें अपनी जान माल से हाथ धोना पड़ता है। याचिका के अनुसार अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उनके प्रति बहुत ही गंभीर अपराध हुए हैं। केंद्र ने कहा कि इस कानून की धारा 18 ही इसकी रीढ़ है, क्योंकि यही अनुसूचित जाति और जनजातियों के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पैदा करती है और इसमें किसी प्रकार की नरमी ज्यादतियों के अपराधों से रोकथाम के मकसद को ही हिला देती है।